नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं पारस डोगरा के शानदार दोहरे शतक के बारे में जो उन्होंने रणजी ट्रॉफी में ठोका है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अभी रणजी ट्रॉफी चल रही है और इस ट्रॉफी का तीसरा राउंड चल रहा है जिसके दौरान मिजोरम और पुडुचेरी के बीच मैच खेला जा रहा है। इस मैच में पहले पुडुचेरी ने टॉस जीता और बॉलिंग को ऑप्ट किया तो मिजोरम को पुडुचेरी ने केवल और केवल 73 रन पर ही समेट दिया। उसके बाद पुडुचेरी ने काफी शानदार प्रदर्शन दिखाया। पुडुचेरी की तरफ से ओपन करना है सुब्रमण्यन आनंद और एस कार्तिक, दोनों ने अच्छा पारी खेली और सुब्रमण्यन आनंद ने 28 रन बनाए, एस कार्तिक ने 21 बनाए। उसके बाद आए पारस डोगरा, इन्होंने काफी बढ़िया तरीके से खेलते हुए दो लंबे लंबे छक्के और शानदार 20 चौकों की मदद से 90 की स्ट्राइक रेट से 220 बॉलों में 200 रन ठोक डाले और इसी की बदौलत जो पुडुचेरी है वो 458 रनों का स्कोर कर पाई। अब बात करें इसी मैच में तो अरुण कार्तिक ने भी काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया और 86 रन बनाए। वहीं एसएस कुमार ने भी जबरदस्त तरीके से खेलते हुए 103 रन बनाए, यानी कि पारस डोगरा ने दोहरा शतक ठोका, वहीं एसएस कुमार ने शतक ठोका और इसी के साथ एक स्टेबल पोजीशन पर पुडुचेरी को लाकर खड़ा कर दिया और लग रहा है कि ये मैच पुडुचेरी ही जीतेगी। बात कर ले थोड़ी सी मिजोरम की बॉलिंग की तो सुमित लामा ने 2 विकेट लिए हैं, यहीं के लालमिया ने 1 विकेट लिया और बॉबी जोतान सांगा ने 2 विकेट लिए। तो अभी देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारे जो अनसंग हीरोज कह सकते हैं हमें हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट में देखने को मिल रहे हैं और आशा करते हैं कि इससे और भी अनसंग हीरोज देखने को मिले। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।